जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं PRK अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों सफलता एक एग्जाम है दोस्तों, पाने के लिए इसे लिए मेहनत ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे चलाने जा रहा है 12 सितंबर से 80 नए पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों इसके बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, 12 सितंबर से चलेंगे 80 नए पैसेंजर ट्रेन। इस तारीख से आप करवा सकते हैं बुकिंग। नई दिल्ली 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू होगी हो जाएगी। इनके लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बड़े चेयरमैन जी यादव ने बताया है कि ट्रेन को पहले से चला रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाएं भी शुरुआत की थी। COVID-19 महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं लंबित। अभी देश में 230 ट्रेन चलाई जा रही है, क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने बताया है कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी और जहां भी ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा दूरी होगी वहां क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए यह ऐसी है कि उद्देश्य के लिए राज्य सरकार उससे अनुरोध किया जाने पर ट्रेन को चलाया जाएगा। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान जरूरी इन नियमों का पालन करना, रेलवे ने स्टेशन परिसरन में और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा उन्हें ही रेलवे ऑथराइज स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देगी। इसके अलावा सभी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों को तकिया, कंबल, पर्दा जैसी चीज उपलब्ध नहीं करा रहा है। स्थिति सामान्य होने के बाद भी AC कोच में नहीं मिलेंगी ये सुविधा। COVID-19 महामारी के भी बाद जब फिर से सामान्य ट्रेन सेवाएं शुरू होगी तभी भारतीय रेलवे AC कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों को तकिया, कंबल, चादर, तौलिया और अन्य लिलेंगी चीज देगी। भारतीय रेलवे सामान्य यात्री सेवाओं को फिर से शुरू होने के बाद इन वस्तुओं को प्रदान करने से रोकने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अपरिचित निर्णय नहीं लिया गया है। इस सामने के अलावा ट्रेनों में पकाया हुआ भोजन नहीं परोसा जाता है। इस समय सिर्फ पैकेट फूड ही दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि एक बार ट्रेन सेवाओं के शुरू होने के बाद इस अभ्यास का भी पालन किया जा सकता है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।